हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन दिस इज आरथे समय योर वाचिंग स्टडी टेबल और आज आप सबके रिक्वेस्ट चैप्टर शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है अ प्रोफेसि कम्स ट्रू आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी एंड आई नो दैट अगर मैं दिसंबर तक इस बुक न्यू एस्ट एडवांस बुक के सारे चैप्टर्स को क्लियर कर दू तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप सबको बहुत हेल्प मिलेगी तो चलिए हम आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है अ प्रोफेस कम्स ट्रू एंड दिस इज एक्चुअली एन एक्स्ट्रैक्ट रिटर्न बाई शेक्सपियर्स प्ले वेरी फेमस प्ले मैकबेथ और ये उसी का एक पार्ट है एक्ट वन सीन थ्री हम इसमें पढ़ने वाले हैं अगर आपका कोई भी है है तो 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 उससे सारे हो जाएंगे यहां पर sure, तो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया करिए चलिए हम चैप्टर। prophecy comes सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल को समझते हैं प्रोफेसी क्या होता है? प्रोफेसी मतलब होता है है मतलब प्रदेश जब हम किसी भी आने वाले समय के बारे में कोई भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवाणी मीन क्या क्या हो सकता है तो उसे प्रोफेसी कहा जाता है आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो वेदर फॉरकास्ट जो होता है जो वेदर कैसा रहेगा मौसम की जानकारी जो पहले से दी जाती है उसे भी हम फॉरकास्ट प्रोफेसी या फिर प्रोडिक्शन के नाम से जानते हैं तो ये सारी चीजें हैं अब ये जो चैप्टर है इसमें क्या बोला गया है अ प्रोफेसी कम्स ट्रू तो मैं आपको थोड़ी सी समरी बता दू शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले है जिसका नाम है मैकबेथ बहुत ही फेमस प्ले है और उसमें से आपको एक एक्स्ट्रैक्ट पढ़ना है यहाँ पर इसमें थ्री विचेस होती है तीन चुड़ैल होती है और वो विचेज मैकबेद के बारे में कुछ प्रोफेसी करती है उसमें से कुछ प्रोफेसी सच होती है और कुछ नहीं होती है तो इसीलिए यहाँ पर इस टाइटल का नाम है ए प्रोफेसी कम्स ट्रू मतलब एक ऐसी प्रोफेसी जो कि आगे चलकर सच होगी और उसे सच करने के लिए कहीं ना कहीं हम देखेंगे दैट मैकबेद बहुत सारे एफर्ट्स भी करेगा तो चलिए आई होप दैट आपको ये चैप्टर का टाइटल समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को एक्सप्लेन करने की तरफ रीड प्ले अबाउट प्रोफेसी मेड बाय द विचेस तो देखिए अब हम एक प्ले पढ़ने वाले हैं जो कि प्रोफेसी से रिलेटेड है और वो प्रोफेसी की थी थ्री विचेस ने अब पहले आप समझिए कि प्ले क्या होता है प्ले देखिए बिल्कुल भी स्टोरी जैसा नहीं होता है प्ले में अलग अलग एक्ट्स होते हैं अलग अलग सीन होते हैं आप ऐसा समझ लो जैसे स्टेज पर अलग अलग एक्ट होते हैं लाइक एक बार पर्दा खुला एक बार कहीं और का सीन दिखाया फिर कहीं और का सीन दिखाया और ऐसे एक स्टोरी कंटिन्यू होती है ये जो स्टोरी होती है लॉन्ग टाइम को लेकर लाइक किसी के लाइफ को डिपिक्ट करके पूरा कवर करती है तो स्टोरी और प्ले में ये डिफरेंस होता है चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं इसके कैरेक्टर्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैगबेथ कौन है, आपको पता है अब आप देखिए यहाँ पर एक नाम हिडन है जिसका नाम है किंग डंकन के अंडर काम करने वाले ये सारे पर्सनस है रॉस तक ओके मैगबेथ बैंको एग्नस एंड रॉस ये सारे अलग अलग पोस्ट के अलग अलग पर्सनस है जो कि किंग के अंडर काम करते हैं और ये थ्री विचेज है जो इनसे रिलेटेड कुछ प्रोफेस बता रही है यहां पर तो चलिए अब हम फाइनली मूव करते हैं इस एक्ट को अच्छे से समझने के लिए एक्ट वन सीन थ्री अ हीथ अब देखिए सीन कहाँ पे शुरू हो रहा है ए हीथ हीथ मीन्स क्या होता है झाड़ झंकार या फिर पूरी तरीके से जो डिजर्टेड uh, प्लेस होता है जहाँ पर बालू ही बालू होता है उसे भी हीथ कहा जाता है तो आप एक ऐसा सीन अपने माइंड में इमेजिन करो जहाँ पर पूरी तरीके से बालू ही बालू है झाड़ झंकार है और वहाँ पर थ्री विचेस है अब आप देखिए इसमें ट्विस्ट क्या होता है बिकॉज जब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं तो वो अपने माइंड में इमेजिन करते हैं और यहाँ पर भी आप इमेजिन करिए तब आपको मज़ा आने वाला है कि थ्री विच

जो प्रिडिक्शन फॉरकॉस्ट करती है वो एंड बैंकों के लिए बिलीव करना ना बहुत ही मुश्किल है टू द थ्री थ्री क्या कर रही है वो अपने हाथों में हाथ लेकर ऐसे गोल घूमते हैं ना हम उस तरीके से वो लोग गोल घूम रही है और उनका कुछ मंत्र है जिसे वो उच्चारण कर रही है पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड डू गो अबाउट एंड अबाउट thrice to टू and thrice to टू and thrice again to make up nine नाइन अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कुछ पोस्टर्स है सी के लैंड के ये क्या है एक्चुअली ये इनका मंत्र है आप ऐसा समझ लो अब ये ये क्या होता है तीन बार इसके पास जाते हैं तीन बार इसके पास जाते हैं और तीन बार अगेन बिकॉज थ्री विचेज है थ्री टाइम्स होता है तो देखिए क्या बन गया नाइन बन गया अब देखिए नाइन नाइन जो वर्ड आए यहाँ पर नाइन जो नंबर है ना ये बहुत ही अशुभ माना हर एक रिलीजन में एक अलग लाइक एक अलग धारणा होती है जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर ब्लैक को अशुभ माना जाता है वैसे ही नाइन नंबर जो है नाइन नंबर एक्चुअली बताता है कि ये एक अशुभ चीज़ है उसके बाद देखिए विचे क्या बोलती है पीस द चाम्स वाम्स मीनस क्या हुआ मैजिक ये जो मैजिक क्रिएट करने वाली थी वो मैजिक जो है ना वो क्रिएट हो चुका है इतने में क्या होता है एंड बैंक अब ये जो मैजिक है जो इतनी प्रिपरेशन चल रही थी किस लिए चल रही थी मैगबेथन बैंकों के लिए ही चल रही थी मैगबेथ क्या बोलता है सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन अब क्वेश्चन ये उठता है दैट मैकबेथ एंड बैंको एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं तो देखिए एक बैटल हुआ था किंग डंकन के तरफ से वहां से ही जीत कर मैकबेथ एंड बैंको रिटर्न आ रहे हैं और रास्ते में ये उन्हें मिल गई है है तो मैकबेथ का क्या कहना दैट सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन इट मैंने इतना खराब फाउल मीन्स क्या होता है खराब एंड फेयर मतलब बहुत अच्छा इतना खराब और अच्छा दिन मैंने एक साथ कभी नहीं देखा तो खराब क्यों बोल रहा है बिकॉज वेदर इतना खराब है और अच्छा क्यों बोल रहा है बिकॉज वो लोग जीत कर इसीलिए उसे अच्छा बोला जा रहा है। How far it's to forest? अब अब है अब अब देखिए पूछता कि यहां से forest कितनी दूर होगा? नेम ऑफ द्लेसर किंग वो प्लेस है जहां पर किंग पैलेस है उनका महल है वहां पर

जिंदा है क्या ये रियल है और आर यू औंट दैट मैन मे क्वेश्चन और या फिर तुम लोग कुछ ऐसे क्रिएचर हो जिनके ऊपर इंसानों को क्वेश्चन उठाना चाहिए यू सीम टू अंडरस्टैंड मी बाय ईच एट वंस हर चौपी फिंगर्स लेइंग अपॉन हर स्किनिंग लिप्स अब देखिए अब इनके चौपी फिंगर्स लाइक जिसकी स्किन उतर रही है या फिर जो कटिंग किए हुए या फिर जो बहुत लाइक घाव जैसे हैं तो तुम हम लोगों को देखकर अपने अपने लिप्स पर स्किनी लिप्स पर उंगलियां रख रही हो शांत होने के लिए बोल रही हो बिकॉज़ यहाँ पर ये सभी ने कहा था ना पीस तो ऐसा तो पता चल रहा है कि तुम हम लोगों को देख सकती हो यू शुड बी वुमेन एंड येट योर टू इंटरप्रेट दैट यू आर सो इंटरप्रेट मीन क्या होता है व्याख्या करना बताना तो यहाँ पर बैंको क्या बोलता है तुम देखने में तो वुमेन जैसी लग रही हो बट एक्चुअली तुम्हारे बियर्ड्स भी है बियर्ड मींस क्या होता है दाढ़ी भी है तो हम तुम्हें क्या समझे तुम एक्चुअली में वुमेन्स हो या नहीं हो मैकबेथ क्या बोलता है देखिए स्पीक इफ यू कैन वॉट आर यू मैकबेथ भी क्वेश्चन करता है तुम लोग अगर बात कर सकते हो तो बताओ तुम लोग कौन हो ऑल हेल मेक बेट हेल्थ टू दी दे ऑफ ग्लैमिस अब देखिए फर्स्ट विच क्या बोलती है ऑल हेल आपका वेलकम है आप उनके उन्हें ग्रीट करती है किसको करती है मैकबेथ को और उसे एक टाइटल से बुलाती है टाइटल क्या है थेन ऑफ ग्लैमिस अब देखिए थेन ऑफ ग्लैमिस क्या होता है थेन ऑफ ग्लैमिस इज एक्चुअली द टाइटल गिवन टू मैकबेद बिकॉज मैकबेथ एक बहुत ही अच्छा लीडर रहा है बैटल में मैंने बोला अभी किंग डंकन की तरफ से जो बैटल हुआ था उसमें वो जीत चुका है और उसे थेन ऑफ ग्लैमिस के नाम से जाना जाता है ग्लैमिस वॉज द नेम ऑफ द एरिया मैगबेथ रूल्स ओवर और मैगबेथ जो है ना उस एरिया में काम करता है तो उसे वो उस जगह का नरेस बोला जाता है आप ऐसे हिंदी में इसे समझ लो दैट जैसे हम बोलते हैं लाइक किसी एक जगह का नाम लेके बोलते हैं इंद्रप्रस्थ का राजा है इंद्रप्रस्थ नरेश ऐसे बोला जाता है तो मैगबे जगह पर रूल करता है, है।, है, 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 है। देखिए इसके पीछे भी बहुत सारी बात है, थेन बन चुका है लेकिन मैगबेथ को पता नहीं है थे जो था उसने किंग डंकन के साथ गद्दारी की थी इसीलिए उसे फांसी की सजा दी गई और उसके बाद ये जो प्लेस था ये जो अहदा था ये मैकबेथ को दे दिया गया है लेकिन जब किंग ने ये अनाउंस किया था उस समय मैकबेथ वहाँ पर नहीं था तो मैकबेथ को पता नहीं है कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बन चुका है क्लियर हुआ थर्ड वेज देखिए क्या बोलती है ऑल हेल मैकबेथ दैट साल्स वी किंग हेयर आफ्टर और उसके बाद थर्ड विच तो उसे किंग बोलकर ही बुलाती है कि अब आगे के बाद तुम ही राजा बनने वाले हो बैंको गुड सर वाई डू यू स्टार्ट एंड डू डू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट फेयर अब देखो बैंको क्या बोलता है सर बोलता है यहाँ पर मैगेट को कि आप इतने ज्यादा फियरफुल क्यों लग रहे हो डरे हुए क्यों लग रहे हो ये सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कर रही है इज द नेम ऑफ ट्रूथ आर यू फैंटेस्टिकल और दैट इंडियड विच आउटवर्डली ही यू सो अब देखिए ये क्या बोलता है बैंको को अब ये विचिस की तरफ देख के बात कर रहा है कि क्या मैं तुम्हें सच समझू या फिर फैंटेस्टिकल समझू इमेजिनेशन समझू और बिकॉज तुम आउटवर्डली जो लग रही हो क्या तुम वही हो या फिर कुछ और हो माय नॉबल पार्टनर यू ग्रेट विथ प्रेजेंट ग्रेस एंड ग्रेट प्रिडिक्शन ऑफ नॉवल हैविंग तो मेरा जो पार्टनर है तुमने उसे प्रेजेंट ग्रेस इट मीनस दैट थेन ऑफ ग्लैमिस तो वो है तुमने उसे उस नाम से बुनाया लेकिन तुमने कुछ ग्रेट प्रिडिक्शन भी किए हैं और वो प्रिडिक्शन कैसे है? yeah mm -hmm. जिनके बारे में कुछ होप की जा सकती है यू नो होप किस लिए की जा सकती है बिकॉज केन ऑफ कॉर्डर हो सकता है वो बन भी जाए दैट ही सीम्स रैपिड विद ऑल और जिसके कारण वो पूरी तरीके से रैप विद ऑल मीन्स पूरी तरीके से परप्लेक्सड हो चुका है पूरा घबरा चुका है टू मी यू स्पीक नॉट लेकिन मुझसे तो तुमने कुछ नहीं कहा इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम तो अगर तुम मेरे आने वाले समय के बारे में देख सकती हो एंड से विच ग्रेन विल ग्रो और क्या तुम बता सकती हो कि मेरा कौन सा प्रोफेसिव फुलफिल होने वाला है या फिर मेरे लाइफ में क्या होने वाला है एंड विच विल नॉट स्पीक देन टू मी हू नेदर बैक नोर फियर यू फेवर्स नॉर योर हेट तो ये क्या बोलता है दैट कि तुम अगर मेरे बारे में देख सकती हो तो मैं जो कि ना ही तुमसे लाइक बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना ही तुमसे डर रहा हूँ और ना ही तुमको हेट करता हूँ इट मीन्स अगर तुम मेरे बारे में बताना चाहती हो तो बताओ नहीं बताना चाहती हो तो इट्स ओके तो तो ऐसी कोई बात नहीं है तो अब देखिए ये जो विचेज़ हैं ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है और उनके सारी प्रोफेसी आगे चल सच नहीं होगी मैं भी मैं आपको ये भी बता देती हूँ तो ये बैंकों को बोलती है हेल वेलकम वेलकम सेकेंड विच भी बोलती है थर्ड विच भी उसको ग्रीट करती है वेलकम करती है फर्स्ट विच क्या बोलती थे लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर हाँ तुम मैकबेथ से कम हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम मैकबेथ से ग्रेटर हो ये यह यहाँ पर देखिए तो तीनों विचिस की इमेजेस वगैरह दी हुई है और उसके बाद देखिए सेकंड सेकंड विच क्या बोलती है उसके बाद नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पी है तो उसे बोलती है तुम उतने हैप्पी नहीं हो लेकिन फिर भी तुम बहुत हैप्पियर हो इट मीन मैकबेथ उतनी ऊंचाई पर पहुंच कर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एम्बिशंस है कि उसे और आगे जाना है लेकिन तुम उतने एम्बिसियस नहीं हो इसलिए तुम क्या हो बहुत हैप्पी हो थर्ड विच क्या बोलती है दाउ सेल्ट गैट किंग्स तुम्हारे जो आने वाले जो डिसेंडेंट्स है इट मीन्स जो तुम्हारी आने वाली जो पूर्वज है आने वाला जो टाइम है आने वाले जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो तो किंग बनेंगे दा, दो ताऊ आर नन लेकिन तुम कभी नहीं बनने वाले है सो ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंको और इसीलिए क्या करती है वापस से उनको ग्रीट करती है वापस से उनको वेलकम करती है फर्स्ट विच बैंको एंड मैकबेथ ऑल हेल और फिर वापस से फर्स्ट विच बोलती है कि आपका स्वागत है आपका वेलकम है जय हो हेल मीन्स क्या होता है जय हो भी होता है मैकबेथ स्टे यू इम परफेक्ट स्पीकर स्टेल मे मोर मैकबेथ क्या बोलता है कि रुको तुम इम परफेक्ट स्पीकर बिकॉज तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है और तुम मेरे बारे में और प्रिडिक्शन करो और मुझे बताओ बाईस channel strat

Death about uh, the thane of Cawdor, and now the thane of Cawdor, the title, has given to Macbeth.

during the shakespeare's time or why upon the blasted heath you stop our way with such prophecy getting or is jagapar is ऐसे जगह पर इस हित में तुम जो कि पूरी तरीके से गर्म है अभी इस ऐसी गर्मी में तुमने हमें क्यों रोका अपनी इस प्रोफिटिक प्रॉफिटिक ग्रीटिंग से इट मीन दैट प्रोफेसी के थ्रू तुमने हमें वेलकम किया तुमने हमें क्यों रोका स्पीक आई चार्ज यू और मैं तुम्हें कमांड करता हूँ मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें बोलना होगा लेकिन इतने में ही विचेस जो है वो वैनिस हो जाती है वो यहाँ से चली जाती है तो ये था हमारा प्ले आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा अगर आपको ये पसंद आया तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मुझे कमेंट में बताइए आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए मैं उसे जल्दी बनाने ही बनाने की कोशिश करूंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के